हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, कुछ स्टूडेंट को एक मेल भेजा गया है एग्जामिनेशन ब्रांच से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये जो ईमेल भेजा गया है, ये NCVAP और रेगुलर के स्टूडेंट को भेजा गया है, बेसिकली सोल के स्टूडेंट को नहीं भेजा गया है। और इसके बारे में कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर, एक मेल आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि ऐसा कुछ है कि नकल करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो इसके बारे में हमें समझा दीजिए। देखिए, मैं चाहता तो इस मेल के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करता, बट कॉलेज अपडेट्स आपको हर एक चीज़ बताएगा कि आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए बुरी है। ठीक है, तो पहले मैं इस मेल के ऊपर बात कर लेता हूँ। DU की तरफ से मेल भेजा गया है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए अपेयरिंग हुआ है मार्च के लिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं और जो आंसवर्स वेबसाइट, ब्लॉग्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जगह से कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन्होंने जब आंसवर शीट चेक की है तो उनको सारे जो आंसवर है वो सेम मिले हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। तो इस केस में पहले मैं नोटिस के ऊपर बता रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं बताऊँगा कि क्या ये सच है या नहीं। इसमें ये बोला गया है कि ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं, इसका ये सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नकल की हुई है एग्ज़ाम में, ओपन बुक एग्ज़ाम में, क्योंकि कईयों ने तो वेबसाइट से लिखा है, कईयों ने कहीं से लिखा है, ठीक है। ऐसे में हम उनकी जो आंसर शीट है उसको UFM के केस में कंसिडर करेंगे, मतलब कि उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और इन्होंने कहा है उसके बाद ऐसे स्टूडेंट को पनिश भी किया जाएगा जो नकल करते हुए पकड़े गए, ठीक है। ये तो इनकी तरफ से बोला गया है। अब देखिए, पहली चीज़, ओपन बुक एग्ज़ाम होते क्या है, पहले तो आप ही मुझे बता दीजिए। व्हाट इज ओपन बुक एग्ज़ाम? सोल के स्टूडेंट को कोई मेल नहीं आया है, NCVAP पर रेगुलर के स्टूडेंट को मेल आया है। पहली चीज़, ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब होता है बुक खोलो, एग्ज़ाम दो। अगर मान के चलिए, चलो ठीक है, स्टूडेंट ने बुक खोल के भी अगर आंसर लिखे होंगे तो वो भी तो सेम ही आए होंगे ना। क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट ने मांगे थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फेल करेंगे? पहली चीज़ तो ये, यूनिवर्सिटी के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और मुझे लगता नहीं है एक भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने बिना चीटिंग के एग्ज़ाम किया होगा। अगर ये 2.5 लाख बच्चों को अगर ये फेल कर देंगे, मान के चलिए 1.5 लाख तो SOL के अंदर ही है और 70-80 हज़ार NCVAP रेगुलर में हो गए, क्या यूनिवर्सिटी चल पाएगी? पिछले साल ही मैं बता रहा हूँ, ये मैसेज पिछले साल ही भेजा गया था। क्या पिछले साल बच्चे को फेल किया गया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे स्टूडेंट पास हुए। क्या इस साल भी होगा? पर इस चीज़ देखिए, ओपन बुक एग्ज़ाम अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट का लोगे, घर के अंदर लोगे, सबको पता है वो नकल तो करेगा, चीटिंग तो करेगा, चाहे वो कि यूट्यूब से ना करे, बुक खोलेगा तो सारे सेम ही आंसर आएंगे। तो इस नोटिस को किस वे में देखा जाए? इस नोटिस को उस वे में आप देखो, इन्होंने ये बोला है कि नकल करने से बचो, ठीक है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो नकल तो होगी, पहले इस चीज़। अब स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डर ये लग रहा होगा, सर अभी हमने एग्ज़ाम दिए, पता चला मैं फ़ेल कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है जो कंप्यूटर द्वारा भेजा गया है सारे स्टूडेंट को, सोल के स्टूडेंट को अभी रिसीव नहीं हुआ है, मुझे लगता हो भी जाएगा 2-3 दिन में। बट सबसे बड़ी गलती ये है, आप नकल के लिए बात कर रहे हो, नोट्स के मोबाइल नंबर अब तक जारी नहीं किए गए, एग्ज़ाम टाइम पे जब उनको मदद की ज़रूरत होती है तब वो किससे कांटेक्ट करेंगे, एक भी मोबाइल नंबर जारी नहीं किया गया, और उसके बाद कहते हो कि आप नकल मत करो, ग्रेट। तो देखिए, हमारा काम है जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है आपको अपडेट करना है, तो ये आया हुआ है रेगुलर और NCVAP वालों को, तो मैं आपसे डिस्कस मैं कर ले रहा हूँ, इसीलिए देख लीजिए। इन्होंने बोल रखा है कि हम फेल कर देंगे, बट पिछले साल 3 सालों से फेल ही कर रहे हैं स्टूडेंट को। नकल, अगर आप नकल रोक सकते हो घर में बैठा के, मुझे तो लगता नहीं है, ये तो नोटिस ही बेकार है, ऐसे तो बोलने, ऐसे थोड़ी होता है कुछ है कि आप घर में एग्ज़ाम ले रहे हो
और कह रहे हो कि बच्चा कोई नकल ना करे। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ही नकल होता है, चीटिंग होती है। बुक खोलेगा तब भी नकल होगी, नोट्स खोलेगा तो भी नकल होगी। तो इनका कहने का मतलब ये है आपको कहीं से नहीं करना, आपको अपने दिमाग से करना है। तो मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो नोटिस है, थोड़ा इसे सीरियस मत लेना, ठीक है। बाकी मैं आपके ऊपर डिसाइड छोड़ता हूँ, क्या आप इस नोटिस का नकल छोड़ दोगे या आप करोगे वो आपके ऊपर है। कमेंट पर ज़रूर बताएं क्या नकल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आप बताना, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या फेल होंगे? फेल कोई नहीं होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में सब पास ही होते हैं, ठीक है। जब से DU करा रहा है तब से सबको पास ही कर रहा है, इनको भी पता है हमने कुछ पढ़ाया नहीं स्टूडेंट को, क्लासेस नहीं हुई, तो भाई एग्ज़ाम में तो पास हो जाए वही बहुत है, ठीक है। वो अलग बात है सेकेंड सेमेस्टर में ये स्टूडेंट की ढंग से लेगा, वो अलग बात है। बट अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन एग्ज़ाम में मजे लो सारे स्टूडेंट, और जितना नकल से बच सको बच लीजिए। बाकी आपका मन है, नोटिस तो आ चुका है फ़िलहाल, बाकी मैं नोटिस के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पिछली बार भी आया था और हमें लगा पिछली बार कई स्टूडेंट को फेल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे पास हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच।